हेलो एवरीवन। कल की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उसमें हमने एन तक के सारे इडियम्स डिस्कस किए थे। आज हम एम से आगे करने वाले हैं। ये वीडियो उतनी लंबी नहीं होने वाली क्योंकि काफ़ी इडियम्स हमारे कवर हो चुके हैं। कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि ये जो मॉड्यूल में जो इडियम्स हैं वो नहीं कवर हुई, तो वो आने वाले जो वीडियो है उसमें कवर होगी, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं वो टी के अंदर आएंगे, टी अल्फाबेट के अंदर। और सिर्फ मॉड्यूल पे हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ही सिलेक्टेड से इडियम्स दी हुई हैं। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है एम में मेडन स्पीच। मेडन क्या होता है? किसी अनमेरिड गर्ल को बोलते हैं। और स्पीच यानी फर्स्ट लेक्चर हो गया। नेक्स्ट है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। किसी लंबी कहानी को शॉर्ट में कर देना, टू ब्रीफ। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का पहाड़ बना देना। ओवर रिएक्ट अ माइनर इशू, कोई छोटी सी बात है लेकिन उस पर ओवर रिएक्ट कर दें। नेक्स्ट है मेक नो बोन्स अबाउट, ये इम्पोर्टेंट है, आती है। टू से क्लियरली, साफ साफ बोलना। नेक्स्ट है माउथ वाटरिंग, यानी जिसे देख के मुंह में पानी आ जाए। लुक्स और स्मेल्स गुड, फूड के लिए यूज होता है नॉर्मली। मैन ऑफ वर्ड, जुबान का पक्का। फुलफिल्स द प्रोमिस मेड। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर, नॉलेज, यानी कि कोई ऐसा आदमी जो लेटर लिख सकता हो, जिसे नॉलेज हो, जो खुद बनाकर कुछ रिसर्च पेपर तैयार कर सके। नेक्स्ट है माइंड वंस पीज एंड क्यूज। यहाँ पे पीज और क्यूज क्या है? पुराने टाइम में क्या होता था कि पिंट्स एंड क्वांट्स, ये क्या है, कुछ ड्रिंक्स वगैरह होती थी, तो कोई ज़्यादा ड्रिंक करता था तो उसको कहते थे मेक श्योर यू माइंड योर पीज एंड क्यूज, यानी अपने पिंट्स और क्वाइट्स का ध्यान रखो, ज़्यादा मत लो, तो केयरफुल रहो अपने बिहेवियर में। नेक्स्ट है मिस द बोट। बोट थी लेकिन आपने मिस कर दी, मिस द बोट या मिस द बस भी कह सकते हैं। कोई एडवांटेज था जो आपके हाथ से छूट गया। नेक्स्ट है म्यूजिक टू वन ईयर्स, ये बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक क्या है? प्लीज करता है, तो कोई भी ऐसी बात जो सुन के अच्छा लगे उसको हम कह सकते हैं दिस थिंग म्यूजिक टू माई ईयर्स। से इट अगेन। नेक्स्ट है नेल इन द कॉफिन, समथिंग दैट हार्म्स और डिस्ट्रॉयज। कॉफिन क्या होता है? कब्र। तो कब्र को क्या है कि उसमें लाश को डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसके ऊपर कीलें ठोकते हैं। नेल का मतलब कील ही है यहाँ से, तो वो कील ठोकने के बाद क्या है कि बस वो लाश डिस्ट्रॉय होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो समथिंग दैट हार्म्स और डिस्ट्रॉयज। नेक्स्ट है निप इन द बड। बड क्या होता है कि कोई पौधे में कुछ, जब भी कुछ प्लांट में कोई उग रहा होता है प्लांट, तो उसकी उसकी जो स्टार्टिंग होती है, निप का मतलब होता है उसे यूं तोड़ देना या फिर उंगली लगा देना, तो उसकी जो ग्रोथ थी उसको स्टार्टिंग में हमने रोक दिया। स्टॉप समथिंग एट अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है नॉट वंस कप ऑफ टी। कप ऑफ टी यानी कि उसकी पसंद की चीज़ नहीं है, नॉट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। हॉर्स को क्या है कि जब भी कोई घोड़ा खरीदने जाता है तो उस चेक कैसे करते हैं कि घोड़ा बढ़िया या नहीं बढ़िया, वो उसका मुंह खोल के उसके दांत गिनते हैं, उस दांत से उसका पता चलता है कि इसकी एज क्या है या इसका एक्सपीरियंस कैसा है या ऐसा कुछ। तो अब ये इस इडियम का क्या मतलब है कि आपको किसी ने गिफ्ट में घोड़ा दिया, उसे उस घोड़े का भी आप मुंह खोल के चेक करो कि ये अच्छा है या बुरा है, तो ये नहीं करना चाहिए। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, डोंट क्रिटिसाइज द गिफ्ट। गिफ्ट जो मिला है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए थैंक यू बोल के, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। यंग शोल्डर यानी कि कोई यंग इंसान, और ओल्ड हेड यानी एक्सपीरियंस्ड। ओल्ड एक्सपीरियंस्ड एट यंग एज। नेक्स्ट है एट वंस लास्ट लेग्स, नियर द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। सब कुछ खत्म हो गया, बस लाते पैर पड़े हैं, पैर बचे हैं उसके जिसके बल पे वो खड़ा है, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एट द एंड है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक क्या होता है कि जब कोई या कोई भी बाल्टी वगैरह होती है, जब या मग ले लो आप या कोई गिलास ले लो, उसको पूरा भर देते हैं तो वो क्या है पूरे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक लेयर दिखती है उस पर, उस तब एक और बूंद डालो तो वो गिर जाएगा पानी, लेकिन जो गिलास की टोटल कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा वो स्टोर करती है, तो वो उसे ब्रिंक कहते हैं उस लेयर को, मतलब कि एंड पे, एंड ऑफ डिजास्टर। नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स, फिक्स टू हैपन। कार्ड्स ये एस्ट्रोलॉजी वाला है कि जो कार्ड्स पे लिखा है वो हो गई। नेक्स्ट है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। 70 क्या है यहाँ पे? एज, 70 साल की उम्र। अब 70 साल से जो पहले होगा, यंग होगा, वो स्वस्थ होगा, और जो ऊपर होगा
उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहेगी, तो रॉन्ग साइड हुई वो 70 की, अबव 70। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, वेरी रेयर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, आसमान से गिरे खजूर में अटके। फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अनदर। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी जंगल, तो जंगल से बाहर निकल गया। जंगल में क्या है, फंस जाते हैं लोग क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता, कोई रास्ते गया तो पता चलते नहीं, सारे पेड़ सेम से ही लगते हैं। आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ओवर एग द पुडिंग, पुडिंग क्या एक स्वीट डिश होती है, डेजर्ट में लेते हैं लोग, तो वो एग से बनती है, तो उसको एग क्या डेकोरेशन के लिए बनाते हैं या उसको लेयर बनाते हैं ऊपर, उसके ऊपर डेकोरेशन के चक्कर में ज़्यादा करने से ख़राब जाता है वो, तो ट्राइंग टू गेट बेटर बट वर्स ऑन इट, अच्छा करने की कोशिश में उसको ख़राब कर देना। आउट ऑफ द बॉक्स यानी इनोवेटिव, कोई भी चीज़ है जो हटके है, जो किसी ने सोची नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट है ऑन वंस टूज, यानी टूज पैरों को कहते हैं, पैर की उंगलियों को, तो ऑन वंस टूज यानी हमेशा वो तैयार है कुछ भी करने को, एक्टिव है। पेंडोराज बॉक्स, पेंडोरा क्या है, ये ग्रीक माइथोलॉजी से है, ये एक लड़की थी जिसको शादी में कोई एक बॉक्स दिया गया था और उसे ये कहा गया था कि कभी खोलना मत इसको, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो खोल लेती है और उसे खोलते ही उसकी डेथ हो जाती है। सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रबल। नेक्स्ट है पेपर टाइगर, पेपर पे कोई टाइगर बनाया हुआ है तो वो दिखने में तो बहुत ज्यादा पावरफुल वगैरह लगेगा, स्ट्रांग लगेगा, लेकिन है क्या वो सच में, कुछ भी नहीं है। अपीयर्स पावरफुल बट इज इनफेक्चुअल। पे थ्रू द नोज, पे मोर देन द वर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील यानी टांग अड़ाना, हिंदी में जिसे कहते हैं, इंटरफेयर करना कि कोई व्हील है उसमें आप स्पोक कर रहे हो, उसमें कुछ अड़ा दोगे तो वो घूमेगा नहीं। पुट इन अ नट शेल, नट क्या है यहाँ पे, कोई जैसे ड्राई फ्रूट है, जैसे वॉलनट ले लो, अखरोट, तो कोई भी बड़ी सारी बात है तो उसको नट शेल यानी उसका जो ढक्कन सा होता है उसके अंदर डाल के बताओ, शॉर्ट में करो, समराइज करो, ब्रीफ करो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट क्या होता है, जो रथ होता है, और आगे जो होता है वो घोड़ा हमेशा आगे खड़ा होता है और वो जो रथ होता है वो पीछे होता है, लेकिन उल्टा कर देना, रिवर्स द ऑर्डर, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट है पायरिक विक्ट्री, ये ऐसी विक्ट्री है जिसमें आप जीत तो गए लेकिन आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। महाभारत से रिलेट कर सकते हैं कि पांडव जीत तो गए थे लेकिन उनका नुकसान ज्यादा हो गया था, विक्ट्री विद अ मेजर लॉस, सब कुछ खो दिया था। क्विक फिक्स, ये जो फेविक्विक आती है ऐसी एक क्विक फिक्स भी आती है जो चिपकाने के काम आती है, तो क्या करती है वो, ये वो भी यही करती है कि अ क्विक बट टेम्परेरी सोल्यूशन, सोल्यूशन दे देती है फटाफट से। नेक्स्ट है क्विक ऑन द ट्रिगर, बंदूक है उसके ट्रिगर पे, फटाफट दबा दिया यानी हाजिर जवाब। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेनिंग हैवीली, ये बहुत कॉमन भी है, बहुत लोग यूज करते हैं इसको डेली लाइफ में। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेन हैवीली। नेक्स्ट है रेनी डे, मुसीबत का समय, बारिश चल रही है, बार आप गर्मी फंसे हुए हो, कहीं जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। रेड लेटर डे यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, इतना इंपॉर्टेंट डे कि उसको खून से आप लिखो, रेड है इसलिए खून से लिखो, इतना इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट है रेड रैग टू बुल, बुल पता है उसको अगर रेड कपड़ा दिखाओगे तो चिढ़ेगा, गुस्सा होगा, समथिंग दैट मेक्स वन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज। रस्टी नीडल, नीडल सुई, और रस्टी यानी जंग लग जाना, अब नीडल पे अगर जंग लग भी जाती है तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, उसका काम तो वो अभी भी करेगी। नॉट वेल बट वर्क्स, किसी का फोन है टूटा फूटा है, कोई खराब है लेकिन फिर भी चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रस्टी नीडल। एस पर है सेव वंस स्किन, बाल बाल बचना। सेट द बायट, बायट क्या होता है, जैसे कि रैट ट्रैप होता है जो चूहे के लिए, चूहेदानी होती है जिसको चूहा पकड़ने के लिए जो होता है पिंजरा, उसमें क्या करते हैं हम कोई ना कोई रोटी का टुकड़ा रख देते हैं, तो वो जो ललचाने के लिए रखते हैं चूहे को ताकि वो उसके लालच में आ जाए और अंदर फंस जाए, तो उसको कहते हैं बायट, कोई भी चीज जो ललचाने के लिए रखी गई हो, जाल बिछाना। नेक्स्ट है शो वंस ट्रू कलर्स, अपना असली रंग दिखाना, रिवील द रियल कैरेक्टर, आपको पता चले कि वो असलियत में कैसा है। स्मेल अ रैट, जब भी चूहा वगैरह मरता है तो हम स्मेल कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है, कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, सेंस समथिंग रॉन्ग। स्पिल द बीन्स यानी रिवील द सीक्रेट, ये काफी कॉम्पिटिशन में आता है और बहुत कॉमन है। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल में आग कैसे लगती है, एकदम से फैल जाती है, स्प्रेड फास्टली। स्विम और गो अगेंस्ट द टाइड,
कोई भी ओशन वगैरह उसकी जो टाइड है उसके अगेंस्ट जाना, यानी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए अगेंस्ट द ट्रेडिशन जाना। ट्रेडिशन क्या है, टाइड ऐसी चल रही है लेकिन हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो द ड्रैगन्स टीथ, इसकी भी एक स्टोरी है कि भी ड्रैगन को मार दिया था लेकिन लास्ट में क्या करते हैं कि वो उसके जो ड्रैगन का दांत होता है उसको मिट्टी में दफना देते हैं, और वो उसमें से वो कई सारे सिपाही निकलते हैं और वो वापस मार देते हैं उसको, ऐसी कोई स्टोरी थी। नेक्स्ट है टी से टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच क्या है कि पहले 17th या 18th सेंचुरी में क्या होता था कि डिनर करने के बाद परमिशन नहीं मांगते थे जाने के लिए, सीधा उठ के जाना होता था, लीव विदाउट परमिशन। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, यानी कि कोई बुल है हॉर्न यानी उसके सींग, तो उसको इस सींग से पकड़ के उसका सामना करना, फेस द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है थिक स्किन, जिसको कुछ भी बोलो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, इनसेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, यानी चैलेंज करना, ये काफ़ी आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। नेक्स्ट है टू कैच अ टार्टर, टार्टर क्या आता है कि एक केमिकल्स होता है जो दांतों पे भी कई बार लग जाता है, तो किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना, कोई स्ट्रांग हो। टू फॉल टू समवन्स लॉट, लॉट किसके लिए यूज होता है, किस्मत के लिए, तो किसी की किस्मत पे ही के भरोसे रहना। बिकम समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी पे हो आप। टू गेट द बेटर हैंड, या फिर अपर हैंड भी कह सकते हैं इसको, अ पोजिशन ऑफ पावर एडवांटेज। पहले क्या होता था, टॉस के लिए क्या करते थे कि बैट रखते थे, कि शायद किसी आपने भी किसी ने किया होगा कि बैट रखते थे या फिर हाथ रखते थे, और उस पर ऐसे एक हाथ दूसरा हाथ फिर ऊपर हाथ फिर ऊपर हाथ, और जिसका हाथ सबसे ऊपर पहुंचता था बैट तक वही टॉस जीत जाता था। तो टू गेट द बैटर या फिर अपर हैंड, अ पोजिशन ऑफ पावर और एडवांटेज। टू गिव समवन द स्लिप एस्केप, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। टू गो टू रैक एंड रूइन, रूइन से ही पता चल रहा है तहस नहस होना, डिक्लाइन होना। टू हैव अ विप हैंड मोर पावरफुल देन अदर्स। नेक्स्ट है टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, यानी कि आग लगा दी उसमें खूब सारे आयरन डाल दिए पिघलने के लिए। एंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज, एक काम में कई एक इंसान जो एक ही आ गया वो कई सारे काम कर रही है। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड डन विद अ मोटिव, ये आपको मॉड्यूल में भी दिखेंगे जो है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड डन विद अ मोटिव, जो एक्स है ग्राइंड मतलब उसको घिस रहे हैं आप, तो किसी मोटिव के साथ ही कर रहे हैं, कोई इंटेंशन है आप इसीलिए आप उसको घिस रहे हो, बिना बात तो घिस नहीं रहे। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर अर्न इनफ टू एवर्ट हंगर, भूखमरी से बच सकें इतना पैसा होना, मतलब कि इस लायक हैं हम कि वॉल्फ को अपने दरवाजे से दूर रख सकें। यहाँ पे वॉल्फ क्या है, पॉवर्टी या मुसीबत है। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, कि जो भूखमरी है उसको हम दूर रख पा रहे हैं घर से। नेक्स्ट है टू मेक अ कैट्स पो, इसका मतलब है पंजा। तो इसकी भी एक स्टोरी है कि एक घर था जिसमें एक बंदर भी था और एक बिल्ली भी थी, तो कुकीज रखी होती हैं कुछ, तो वो बंदर खुद नहीं उठाता उसको, बिल्ली को कहते हैं कि तुम अपने खाते हैं तो तुम लेके आओ, तो बिल्ली जब उसमें से निकालती है तो उसके हाथ से छूट जाते हैं क्योंकि गर्म होते हैं, और छूट जाते हैं तो फिर इतने में थोड़ी देर बाद जब वो मालिक आता है तो वो देखते हैं कि बिल्ली के हाथ जले हुए हैं, तो उसको शक होता है कि बिल्ली ने खाए हैं, जबकि जब वो हाथ से छूट जाते हैं तब बंदर खा लेते हैं, तो क्योंकि तब तक ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट है टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा हंगामा सा कर देना। ट्राइफल का मतलब यही होता है, कोई छोटी सी बात। टू टेक अ लीप इन डार्क, लीप का मतलब होता है जंप करना, काफी हाइट से जंप करना, तो अगर डार्क में जंप कर रहे हो तो बहुत ही डेंजरस काम है ये, कहीं भी गिर सकते हो आप, कहीं भी लग सकता है। टू बियर्ड द लॉयन इन हिज डैन, शेर की गुफा के अंदर ही उसकी शेव करना, उसकी दाढ़ी करना, तो यानी कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हो उसी के घर में जाके जहाँ पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। टू चैलेंज समवन इन हिज स्ट्रॉन्ग प्लेस, टू होल ओवर द कोल्स, होल का मतलब होता है घसीटना, तो उसे घसीट के आप कोयले के पास लेके जा रहे हो, उसको पनिशमेंट दे रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो, डांट रहे हो। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज हो चुका पहले, ये आपके मॉड्यूल में भी है और इम्पोर्टेंट भी है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये तो आता ही आता है। टू राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम एशेज, इसकी स्टोरी अपने मॉड्यूल में भी दी हुई है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन का है उसमें क्या दिया हुआ है कि फीनिक्स कोई बर्ड था
और वो उसको कोई फैमिली वगैरह नहीं थी, और वो मरने से पहले क्या करता है, खुद की चिता वगैरह लगाता है, और खुद की ऐश में से जब वो जल जाता है तो वो एक छोटा बच्चा निकलता है उसका, ऐसा कुछ है। टू राइज अप टू फॉर्मर ग्लोरी आफ्टर बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन वापस उसमें वही ग्लोरी आ गई थी। टू सी विच वे द विंड ब्लोज, हवा का रुख किस हो रहा है आज की बार। टू ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स के टाइम में जब कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं तब आपने ये सुना होगा, या फिर से यूज कर सकते हैं उस टाइम आप। नेक्स्ट है टू सी थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स, यानी प्रिजुडाइज, सी थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स यानी आप कुछ फिल्टर लगा रहे हो, आप कुछ किसी अलग नजरिए से देख रहे हो किसी को। नेक्स्ट है टू स्प्लिट हेयर, स्प्लिट हेयर कोई बालों की प्रॉब्लम है, आर्ग्यू ऑन माइनर पॉइंट्स, आप छोटी छोटी बातों का डिस्कशन कर रहे हो। टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, लोहे पे तभी हथौड़ा मारना चाहिए जब वो गर्म हो, क्योंकि तब जो गर्म हथौड़ा है उसको जैसी शेप देना चाहो वैसे दे सकते हो आप। टू टेक इमीडिएट एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टू बी स्कॉट फ्री यानी बिना किसी इंजरी के, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। टू बी अ वाइट एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, एक वाइट एलिफेंट जो होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं और इस वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये, लेकिन कुछ फ़ायदा तो है नहीं इनका भी, जैसे हाथी बाकी हैं वैसे ये हैं, तो ये एक एक्सपेंसिव है जो बिना मतलब का खर्चा है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बिना मतलब के खर्चे के लिए। टू हैव अ स्टॉर्म इन द टी कप, कोई थोड़ा सा चाय में उबाल आ गया उसको आप कह रहे हो कि स्टॉर्म आ गया, तो एग्जैजरेट कर यानी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। टर्न द टेबल्स, टेबल्स टर्न कर दिया यानी सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई, कोई गेम वगैरह में ये हो सकता है कि अभी तक कोई जीत रहा था और एकदम से मैं जीतने लग गया, तो रिवर्स इन सिचुएशन। टर्न टर्टल, टर्टल क्या करता है कि वो उल्टा भी हो जाता है सीधा भी हो जाता है, तो अगर कोई व्हीकल है या फिर कोई भी, ज़्यादातर ये व्हीकल के यूज के लिए यूज़ होता है, जब व्हीकल कोई पलट जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं टर्न टर्टल। द काव टर्न टर्टल यानी बिल्कुल पलट गई वो। अल्फा एंड ओमेगा क्या है कि ए बी सी डी की तरह ही है, किसी फॉरेन लैंग्वेज के ये अल्फा होता है उसको इससे डिनोट करते हैं और ओमेगा को इससे करते हैं, तो अल्फा एंड ओमेगा यानी ए टू जेड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, दैट्स इट। द एलिफेंट इन द रूम, कमरे के अंदर हाथी बैठा है लेकिन आप उसके डिस्कस नहीं कर रहे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करने के लिए शर्मा रहे हैं, तो तब यूज होता है एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट है अंडर द टेबल, आप किसी को ब्राइब कर रहे हो तो वो टेबल के नीचे से ही दोगे, यू टर्न सबको पता है यू टर्न, क्योंकि ये यू के शेप में होता है इसलिए यू टर्न। यूटोपियन, यूटोपियन क्या होता है, बिल्कुल आइडियल जो अचीव नहीं कर सकते कोई, जैसे कोई गांधी के सिद्धांत हो गए हमेशा सच बोलो, पॉसिबल ही नहीं है वो, यूटोपियन आइडियल है बट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। नेक्स्ट है वॉच ग्रास ग्रो, आप ग्रास बहुत धीरे धीरे ग्रो होती है, आप उसको बैठ के देखे जा रहे हो कि इतने बोर हो गए, बस ग्रास को बैठे देखे जा रहे हो कि वो कैसे ग्रो हो रही है। तो बस ये W तक थे, सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स कवर कर दिए हमने, लेकिन फिर भी आपको लगता है अगर कोई नई इडियम आपके सामने आती है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अभी तक जितनी इडियम्स डिस्कस किए उनमें से अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।